हाउ टू फिक्स ट्रांजेक्शन कैनॉट बी इनिशिएटेड। स्वागत है दोस्तों आप सभी को टिकिराज यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते अपने भीम ऐप या फिर कोई भी UPI ऐप पर। ठीक है, तो हमारे ज़्यादातर ये भीम अकाउंट पे मुझे ये प्रॉब्लम मिला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट पे एक मोबाइल ऐप पे मेंबरशिप लेने के लिए कोशिश किया था। तो यहाँ पे मैं आया, मेरा भीम ऐप को खोला मैंने और यहाँ पे नोटिफिकेशन पे मैं गया और फिर मैंने यहाँ पे इसे रिफ़्रेश किया और यहाँ पे ये मैं पेमेंट कर रहा था, प्रोसीड करता हूँ तो ये मुझे आता है कि ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी इनिशिएटेड, नो सपोर्टेड बैंक फाउंड, अकाउंट फाउंड बता रहा है। तो ये इस वजह से आता है दोस्तों कि हमने अपना UPI और बैंक अच्छा से हमने फुल सेटअप नहीं किया हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने अपना बैंक को ऐड नहीं किया हुआ है तो इस वजह से यह प्रॉब्लम आता है। तो ये केस में हमें क्या करना होगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट आपको मिलते रहे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ये नोटिफिकेशन जो आप स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सेट UPI पिन टू सेंड मनी, पे बिल्स, रिक्वेस्ट बैलेंस एंड मोर। तो आप ये सेटअप पे क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सेटअप पे क्लिक कर लीजिएगा। ये सेटअप पे क्लिक करने के साथ साथ आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, यहीं पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में सेट UPI का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो अभी आपको यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड का डिटेल आपको भरना है। ठीक है, डेबिट कार्ड का डिटेल मैं भर देता हूँ यहाँ पे। शायद आपको ये पार्ट जो है ब्लैंक रहेगा, दिखाई नहीं देगा सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। तो लास्ट 6 डिजिट आपको भरना है। और यहाँ पे आपको नीचे आपको मंथ भरना है, मंथ और एक्सपायरी डेट भरना है। आपका कार्ड नंबर के बिल्कुल नीचे आपको रहेगा। ठीक है, ये मैंने भर दिया और टिक मार्क पे क्लिक करना है। तो ये जैसे ही मैं ये करता हूँ उसके बाद में हम लोगों का UPI कम्प्लीटली सेटअप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पेमेंट करके देखेंगे। तो यहाँ पे OTP आ चुका है। ठीक है, और OTP ये भर चुके हैं। तो यहाँ पे सेट 6 डिजिट UPI बता रहा है। ठीक है, तो हम लोग UPI सेटअप कर देते हैं। यहाँ पे ये मैंने सेटअप कर दिया, दोबारा मांग रहा है तो ये भी मैंने सेटअप कर दिया। तो UPI पिन रीसेट डन सक्सेसफुली बता रहा है। ठीक है, तो अभी बैक चलते हैं और उसे पेमेंट करते हैं। वो जो मेरा पेमेंट पेंडिंग था इसे रिफ्रेश कर देते हैं और चेक करते हैं कि अभी पेमेंट होगा कि नहीं। तो प्रोसीड किया मैंने, तो यहाँ पे बता रहा है कि ये सारा कुछ बता रहा है, ये आई हैव रीड कर देना और अप्रूव करना है। तो अप्रूव करने के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पेमेंट होता है कि नहीं। तो ये पेमेंट हो चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पेमेंट हो चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी के साथ इस प्रॉब्लम को जो है आप फिक्स कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।